हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने DLL हेल्प प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा, तो अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम DLL प्रॉब्लम के सोल्यूशन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द DLL हेल्प प्रॉब्लम इज सॉल्व इन .NET बाय असाइनिंग द शेयर्ड असेंबलीज विद स्ट्रॉन्ग नेम। .NET में हम DLL हेल्प प्रॉब्लम को असेंबलीज को स्ट्रॉन्ग नेम दे के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन .NET ऑल द शेयर्ड असेंबलीज आर यूजली इन द जैक। Jack stands for Global Assembly Cache. The path for Jack is C, Operating System Directory, Assembly. अब क्या है कि पहले C drive में जाइए, उसके बाद Operating System की directory में जाइए, उसके बाद एक और directory है Assembly, वहाँ जाइए। जैसे कि for example, on my computer the path is C, Windows Assembly. सबसे पहले मैं C drive में गई, उसके बाद मेरे Windows Operating System में गई, उसके बाद मैं असेंबली के फोल्डर में गई। आगे, ओनली स्ट्रॉन्ग नेम्ड असेंबलीज कैन बी कॉपीड इनटू जैक। स्ट्रॉन्ग नेम्ड असेंबलीज इन .NET हैज़ फोर पीसेज इन इट्स नेम एज लिस्टेड बिलो। जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नेम असेंबलीज हैं उनको ही हम जैक में कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास चार टाइप की पीसेज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फर्स्ट इज सिंपल टेक्सचुअल नेम, जो हमारा नेम है, देन वर्जन नंबर, कल्चर, कौन सी लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं, देन हमारी पब्लिक की टोकन। ऑल दीज फोर पीसेज पुट टुगेदर इज कॉल्ड एज द फुली क्वालिफाइड नेम ऑफ द असेंबली। इन चारों पीसेज को हम इकट्ठे कर देते हैं जिसे हम एक क्वालिफाइड असेंबली का नाम देते हैं। नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल बिलो। आई हैव टू एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन A1 एंड एप्लीकेशन A2, विच रिलाइज ऑन द शेयर्ड असेंबली असेसिबिलिटी .DLL एज शोन इन द इमेज बिलो। अब जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, मेरे पास दो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन A1 और एप्लीकेशन A2, जो दोनों ही एप्लीकेशंस हैं ये असेसिबिलिटी .DLL को शेयर करनी है। नाउ आई हैव लेटेस्ट वर्जन ऑफ एप्लीकेशन A2 अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आई डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ A2 एंड इंस्टॉल इट ऑन माई मशीन। मेरे पास चूँकि अब एप्लीकेशन A2 का लेटेस्ट वर्जन है, तो मैंने उसे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया। This new installation copies a newer version of accessibility.dll into the jack with the version 3.0.0.0. जैसा कि मैंने A2 application के new version को install करा, तो इसने क्या किया, जो मेरा accessibility.dll ने jack में से जो मेरा new version है 3.0.0.0 इसको install कर दिया। So in the jack we now have two versions of accessibility.dll. अब दोनों versions हैं। एप्लीकेशन A1 कॉन्टिन्यूज टू असेसिबिलिटी .DLL विद वर्जन 2.0.0.0 एंड एप्लीकेशन A2 यूजेस असेसिबिलिटी .DLL वर्जन 3.0.0.0। अब जैसा कि एप्लीकेशन A1 है वो अपनी वर्जन के साथ कॉन्टिन्यू रहेगी और एप्लीकेशन A2 अपने वर्जन के साथ। सो नाउ द असेंबलीज आर एबल टू रिजाइड साइड बाई साइड इन द जैक। फॉर दिस रीजन इन .NET असेंबलीज आर ऑल्सो सेट टू बी सपोर्टिंग साइड बाई साइड एग्जीक्यूशन। अब जैसा कि क्या है कि जैसे मैंने अपनी एप्लीकेशन के न्यूअर वर्जन को डाउनलोड करा था, पर इससे मेरे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्जन है एप्लीकेशन का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग नेम दे के असेंबलीज को हम DLL की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल में हमने इस सोल्यूशन को देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।